अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दम का कीमा। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये मैंने कोयले को चूल्हे पर रख दिया। इससे हम इसमें मैरिनेट करने के बाद इसमें धुई देंगे इसका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं, मैंने एक टमाटर लिया है और इसमें मैं डालूँगी टिक्का मसाला, जो गोटी टिक्का मसाला आता है रेडीमेड, वो डालेंगे। मैंने 2 चम्मच लिए हैं और इसमें जाएगा नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले में नमक रहता है। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच मैंने विनीगर लिया है। और 1 चम्मच हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें कीमा डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कीमा डाल के मिक्स करके इसको 1-2 घंटा छोड़ देंगे, या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं 2 घंटे के लिए ही छोड़ूंगी। देखिए, हमारा कीमा एकदम मिक्स हो गया है। अब हम इसको कोयले का भगार देंगे और मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक मैं इसके साथ लच्छा पराठा बनाऊंगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम 2 घंटे बाद इसको लो फ्लेम पे बस हमें बनाना है और इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है। इसको बस लो फ्लेम पे रख के जितना पानी है इसका, जो उसको भूनने का है बस कीमे को, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, हमारे पराठे अब बन चुके हैं। 1 घंटा हो चुका है। अब हम कीमे को लो फ्लेम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। निकाल लेंगे, इसमें हमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ इसको, इसके पानी को हमें अच्छे से
पका कीमा भून के अच्छे से इसको बस पकाना है और इसमें कुछ डालना नहीं है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें पानी है, अभी हम इसको और थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा भी भून गया है अभी, और इसको 3-4 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। फिर हम उसको ऊपर से, ये मैंने हरी मिर्ची, अदरक और कोथमीर काटी है, इसके ऊपर डालेंगे सर्व करने के टाइम पर। इसको थोड़ा और अच्छे से अभी भूनेंगे। हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। देखिए मैंने कीमा निकाल लिया है, अब हम इसको ऊपर से गार्निश करते हैं अदरक, हरी मिर्ची, आप इसको पराठे के साथ या फिर नान के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम कबाब का ही टेस्ट आता है। और अगर कीमे को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तो एकदम झटपट ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए फाइनल लुक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।